सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गाइज GTA 5। और भाई माइकल दादा आज भाई बाहर घूमने के लिए आए थे और भाई मार्केट से हमने कुछ चीज़ें खरीदी, अपने लिए कपड़े खरीदे और कुछ सामान खरीदा। सो अभी हम वापस जा रहे हैं घर पर, रेड लाइट हो गई है भाई, हम रुकते हैं यहाँ पर। ये हम सिग्नल तोड़कर भाई पुलिस को अपनी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। ये क्या भाई, अमेंडा का फोन आया है भाई, अमेंडा से बात करते हैं। You don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sack store detective. सो गाइस, अमेंडा का किसी स्टोर ओनर के साथ झगड़ा हो गया और भाई उस स्टोर ओनर ने भाई पुलिस को बुला लिया है और वो भाई पुलिस अब अमेंडा को पकड़ कर लेकर जाने वाली है। अमेंडा ने भाई माइकल दादा को फोन कर कहा है कि तुम मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। सो माइकल दादा अमेंडा के हस्बैंड है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं। और भाई अमेंडा और जो माइकल दादा है भाई, उनका जो रिलेशनशिप है वो इस टाइम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। उनके बीच काफी ज्यादा झगड़ा हो रहा है और जो है एक बहुत बड़े गैंगस्टर मार्टिन मतरासो के साथ भाई माइकल दादा ने पंगा ले लिया है और भाई उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है हमने, जिसकी वजह से भाई जो मार्टिन मद्रासो है वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और उसका बहुत बड़ा कर्ज हमारे सिर पर है, जिसे हमें उतारना है। उसके बाद गाइज हम आगे की प्लानिंग करेंगे। सो अभी चलते हैं सीधा अमेंडा के पास। सो गाइज, ये स्टोर ओनर है और ये वो पुलिस वाला है जो उसे पकड़ने के लिए इन्हें खुद भाई उसने डोज किया पुलिस वाले ने। ये ले भाई, और तू था ना, तूने बुलाया था ना पुलिस को, ये दो भाई। अभी गाड़ी में बैठते और यहाँ से निकलते हैं। मैं भी अमेंडा भी शायद हमारी गाड़ी में बैठ गई है। सो अभी गाड़ी में बैठते और निकलते हैं यहाँ से। नहीं, अमेंडा यहाँ इस गाड़ी में नहीं बैठी है तो भाई हमें शायद पुलिस की गाड़ी को लेकर भागना होगा यहाँ से। और भाई पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है, 3-स्टार गैंगस्टर हो चुके हैं हम। तो अभी भाई हम सीधा रोड से तो नहीं भाग सकते, तो मैं एक शॉर्टकट लेता हूँ यहाँ से भाई, छोटी गलियों से। अरे यार, कितना बेकार गाड़ी चला रहा हूँ ये पुलिस की गाड़ी भाई, अच्छा कंट्रोल नहीं होती है। अभी भाई हम इन छोटी छोटी गलियों से भागेंगे जिसकी वजह से पुलिस हमें अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएगी। सो फाइनली गाइज, पुलिस हमें ढूंढ रही है, लेकिन भाई हम इस कंस्ट्रक्शन साइट के जगह पर आकर छुप गए थे, जिसकी वजह से भाई अभी शायद पुलिस जाने वाली है। सो अभी पुलिस का यहाँ पर भाई जाने का वेट करते हैं। हम अभी वांटेड नहीं है और पुलिस हमें नहीं ढूंढ रही है। सो अभी भाई हम वापस घर पर जा सकते हैं और अमेंडा को घर पर छोड़ते हैं। और भाई पैसों को लेकर भाई अमेंडा का और माइकल दादा का झगड़ा हो रहा है, लेकिन भाई अभी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं। सो भाई अभी ये अमेंडा घर पर जाएगी, तो अभी भाई हम इस गाड़ी को अपने घर पर नहीं रख सकते हैं। गाड़ी को भाई हमें ठिकाने लगाना होगा, अगर पुलिस को पता चल गया कि हमने ऐसे ऐसे भाई गाड़ी को रखा है और वो भाई हम सस्पेक्ट हो सकते हैं पुलिस की नज़र में, इसलिए भाई इस गाड़ी को अभी मैं ठिकाने लगा के आता हूँ। और गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।